तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 7:30। अभी मम्मी लोग भी आ गए रात को, आई थिंक 9:30 बजे आए थे वो लोग। और जैसे घबरू की नज़र गए मम्मी और भाई पे, वो पहले मम्मी को मिलता है, फिर भाई को मिलता है, वापस मम्मी को मिलता है, वापस भाई को। मैं एंड में क्लिप ऐड कर दूंगा कि वो कैसे कर रहा, मैंने वीडियो उतारा था। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं गाड़ी लेके कॉलेज जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मतलब मैं 9:15 को पहुंच जाता हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ सबमिशन 10-12 या तो पता नहीं कब चालू होता है, जब सर की मर्जी तभी चालू होता है। तो मैंने सोचा है कि इतना मतलब यहाँ से सुबह से मैं 7:30 बजे निकल जाता हूँ और वहाँ मैं सबमिशन 10 बजे तक। तो मैं क्या 3 घंटे तक इच्छा था मैं यहाँ से गाड़ी लेकर 9:30 बजे निकलूँ, तो भी मैं वहाँ 10:50 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, 10:50 या 11। और अभी घबरू भी उठ गया है, वो भी देख रहा है कि कब मेरे साथ ये मस्ती करे। और अभी मैं जाऊँगा, फ्रेश व्रेश होऊँगा, फिर ब्रेकफास्ट करके सीधा कॉलेज जाने के लिए निकलूँगा। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। सुबह सुबह कैसे बैठ गए, क्या देख रहे हैं कैमरे में, क्या है कैमरे में, क्या है? तो गाइस, अभी मेरे मन में एक प्लान आया है कि अभी मेरे फ्रेंड ने अभी मेरे को गोल्डन रिट्रीवर दिया है, छोटा बच्चा ही अभी, तो अभी वो थोड़ी देर में आके मतलब 11-12 बजे जाके ले जाएगा। तो अभी वो मेरे घर पर रख के गया, तो मैंने सोचा कि चलो भाई बहनों के मस्ती करते हैं। तो अभी मैं उनको ऐसा बोलूँगा कि मैं नया डॉग लेके आया हूँ, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। और आप भी पहले देख लीजिए डॉग कौन सा है। रिट्रीवर भाई मेरे पास क्यों भाग रहा है, देखिए खेल रहा है। अब मैं ये लोग को फोटोज वोटोज पाड़ लिए, अब मैं मेरे भाई बहनों को इंस्टा भेजूंगा कि देखो मैंने नया डॉग लिया है। और जैसे मैं फ़ोटो भेजूंगा तो वो लोग वीडियो कॉल करेंगे, तो डॉग तो घर पे है तो वीडियो कॉल में भी दिख जाएगा, मतलब ये लोग सच मान लेंगे, ये कोई स्टोरी रखेगा, कोई खुश होगा, देखते क्या रिएक्शन आता है। अब जाएंगे हम कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का भी टाइम हो चुका है, आज मैथ्स और PPS का सबमिशन भी है। तो अभी जाते हैं, मिलते थोड़ी देर के बाद। सो अभी टाइम हो चुका है 9:30, और अभी मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ कॉलेज जाने के लिए। और अभी PPS का सबमिशन तो हमारा 12 बजे के बाद है, तो आई होप कि हमारा मैथ्स का सबमिशन जल्दी हो जाए 12 बजे से पहले, ताकि मैं PPS का सबमिशन दे के सीधा घर आ सकूँ जल्दी। तो अभी जाते हैं कॉलेज, ये मिलते हैं कॉलेज में। गाइस मैं फाइनली कॉलेज आ गया हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 9:30। और अभी मैं जाऊँगा पहले मैं लेआउट देने के लिए, फिर जाऊँगा मेरी क्लास में जो फर्स्ट सेम की थी, और मैथ्स का सबमिशन करूँगा, फिर 12 बजे बाद PPS का है। सो अभी 12:30 बजे, लेकिन अभी तक कोई सबमिशन हुआ ही नहीं। जैसे हमारा टर्न आया वैसे ही मैथ्स के सर खाने के चले गए, तो सर ने बोला अब तुम्हारा मतलब 12:20 को हमारा PPS का सबमिशन है, तो उसने बोला कि वो कंप्लीट करके आओ, उसके बाद मैं सबमिशन लूँगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं PPS का सबमिशन करने के लिए, फिर वापिस आएंगे हम मैथ्स के, मतलब आज भी 3-4 बजने वाले, तो देखते क्या होता है। सबमिशन के दिन ही ख़राब है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सबमिशन कराने के बाद। टाइम हो रहा है 3:15 बजे, और हमारा पूरा मैथ्स का और PPS का सबमिशन पूरा हो चुका है। और अभी मैथ्स का तो अच्छा गया, लेकिन PPS का तो भाई पूछो ही मत, जो भी लड़का या लड़के कैबिन से बाहर आते वैसे बोलते हैं भाई लग गए। PPS के सर जो लगाए हमारे, क्या ही बताए। और मैथ्स का अच्छा गया, सर ने कुछ पूछा ही नहीं, बस खाली थोड़ी गाइडेंस दी है कि GTU में कैसा, क्योंकि सबको पता है कि इंटरनल में सब कैसे पास हुए, कैसे PDF में से देख के हुए। तो अभी मैं जाता हूँ घर, ये देखते हैं क्या प्लान है। मैं आज पता चला कि मैं कॉलेज में 3:15 बजे तक भी रह सकता हूँ। क्या करें, चलो मिलते हैं घर पे ही। तो
hidden because there are so many things that I left unsaid. मैं अभी आ गया हूँ घर पे और अभी बज रहे 4, तो मैं जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ। अभी घर जाएंगे, थोड़ा खाएंगे, गबरू के साथ खेलेंगे और रेस्ट करेंगे, और कल लास्ट सबमिशन है, तो मिलते हैं रेस्ट करने के बाद। वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं, चलो बाय। इसका जाने का टाइम आ गया है, इसको मेरा फ्रेंड लेने भी आ गया है। अच्छा अटेंटिव है, खेलती रहता है, खेलती रहती है ये, इसका फर भी अच्छा है ये देख। बाय। तो अब इसको छोड़ के आता हूँ मैं फ्रेंड के पास, वो सोमा तलाव भी आ गया। इसको छोड़ के आता हूँ मैं फ्रेंड के पास, वो सोमा तलाव भी आ गया है, तो मिलते हैं छोड़ने के बाद। पहले सबसे बेस्ट मोमेंट होता है टेरेस पे आने के लिए, इसकी बेस्ट प्लेस है खेलने के लिए टेरेस। टेरेस पे आते ही ये एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ से वहाँ भागने के लिए मिलता है। देखिए वही चालू उसकी मस्ती, जैसे मैं इसके पास जाऊँगा भागेगा। घबरो चालू इसका, इसमें करके प्लीज ऐड कर रहा हूँ कि जैसे मम्मी और भाई आए थे तो घबरू कैसे करने लग गया था, तो क्लिप को जरूर देखना, उधर पे भी मस्ती कर रहा। क्या हो टाइम हो रहा है 8 और अभी मैं जाऊँगा खाना खाने के लिए, तो घबरू का खाना रेडी हो जा रहा है, तो घबरू भी खाना खाएगा और मैं भी खाना खाऊंगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल, आज के लिए गुड नाइट।